कश्ती बैठे हैं जिसमें सभी, जीवन है एक कश्ती बैठे हैं जिसमें सभी, लगती है बढ़ती जाए असल में वो बढ़ ना पाए, अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। चाल आए तूफान आए घबराए दिल ये मेरा, तू चाल आए तूफान आए घबराए दिल ये मेरा, यीशु बनेगा तेरा सहारा आजमा ले तू उसको जरा, आजमा ले तू उसको जरा, जीवन है एक कश्ती बैठे हैं जिसमें सभी, लगती है बढ़ती जाए असल में वो बढ़ ना पाए, अगर यीशु माझी अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो छाया हो अंधियारा, रास्ता कठिन और सफर हो छाया हो अंधियारा, यीशु ही है जो पार लगाए पहुंचाएगा वो किनारा, पहुंचाएगा वो किनारा, जीवन है एक कश्ती बैठे हैं जिसमें सभी, जीवन है एक कश्ती बैठे हैं जिसमें सभी, लगती है बढ़ती जाए असल में वो बढ़ ना पाए, अगर यीशु माझी अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं इस अच्छे दिन के लिए, और जो कि आज हम प्रभु के वचन के द्वारा आज आपके साथ कुछ बांट सकते हैं और प्रभु से आशीष प्राप्त कर सकते हैं। मेरे भाइयों, आज आप यहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह का वचन सुन रहे हैं तो आप अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना में जाएं, और ये समय है कि उससे पहले हम उसके वचन से पढ़ें। एक छोटी सी प्रार्थना हम आपके बीच में करना चाहेंगे, आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु आसमानी पिता, सृष्टि के कर्ता उद्धारकर्ता जीवनदाता हमारे प्रभु परमेश्वर, आज हम एक बार फिर से आपके पास आते हैं उन खाली दिलों को लेकर जो प्रभु आपसे प्यार से भरने के लिए मजबूर हैं। खुदा बंतु अपने प्यार से हमारे हृदय को भर दीजिए, और वे सभी भाई जो बहनें आज यहाँ पर तेरे वचन को सुन रहे और देख रहे हैं वो सब तेरे वचन से आशीष पाएं, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। हम प्यारे पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से उस जीवन के लिए, उस सांस के लिए जो खुदाबंद यीशु मसीह ने दिया है। आज जो सांस आज हमारे अंदर है वो खुदाबंद यीशु मसीह की सामर्थ है,
जो खुदावन यीशु मसीह के द्वारा हमें दी गई है, और हमें ये फ़र्ज बनता है कि आज जब प्रभु ने हमें ये जीवन दिया है, एक नया सूर्य हमारे लिए उदय होने के लिए दिया है, तो हम उसको धन्यवाद दें और उसकी महिमा करें, उसके गीत गाएं, क्योंकि प्रभु भला है। आइए आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जिसने परमेश्वर को जाना और जो परमेश्वर को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, परमेश्वर के साथ में अच्छे संबंध थे, परमेश्वर उसे बहुत प्यार करता था और परमेश्वर उसे अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। और इस व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे कि इसने परमेश्वर की बात को, उस आज्ञा को किस तरीके से अनसुना किया और इसका परिणाम क्या हुआ जिसके कारण उसे इतनी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हम बात करते हैं आज उस वचन से जो एक योना नबी की किताब जो हम पाते हैं, योना की कहानी। और योना की कहानी में हम देखते हैं किस प्रकार योना परमेश्वर का वचन देने के लिए निनवे शहर को परमेश्वर जो है उसे बोलता है कि तू निनवे शहर में जा। मेरे प्रियो, आप जानते होंगे अगर आपने वचन में पढ़ा है तो निनवे जो शहर था वो उस समय पाप में इतना डूब रहा था, लोगों की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी, लोग अपने गुनाहों में बढ़ गए थे, लोगों ने अपनी दुष्टता से बाज नहीं आ रहे थे, दिन पे दिन उनकी गलत आदतें लोगों की बढ़ती जा रही थीं। और परमेश्वर अपने दास से कहता है, योना से कहता है कि तू उस निनवे शहर में जा और वहाँ जा कर लोगों को ये प्रचार कर कि वो लोग माफ़ी मांगें, खुदा से तौबा करें, ताकि बुरे दिन आने से पहले, वो निनवे शहर बर्बाद होने से पहले, ताकि वो मैसेज, वो पैगाम, वो सुसमाचार परमेश्वर जो निनवे शहर में देना चाहता है, ये योना से कहता है। और योना इस बात को जानता है कि परमेश्वर ने उसको ये बात बोली है, और वो जो है निनवे शहर जाने के लिए, उस महानगर में जाने के लिए, प्रचार करने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो जाता है और वो जहाज़ पर पहुंचता है तो वो निनवे शहर को ना जाकर अपने जाने के इरादे बदल देता है और वो तार्सस को जाने वाले जहाज़ में बैठ जाता है। मेरे प्रियो, समस्या आप उसके जीवन में ये समस्या पड़ने लगती है कि परमेश्वर ने उसे निनवे शहर में जाने के लिए कहा था। अगर आपके पास वचन है, आप योना नबी की किताब खोल सकते हैं, उसका पहला बाब और उसकी अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, आपके छठे अध्याय से आप पढ़ सकते हैं, छठी आयत से हम देख सकते हैं कि वहाँ जब वो दूत तार्सस को जाने वाला जहाज़ में जब बैठ गया, तो जब वो देखता है, जब पाता है और आराम से बैठ के जा रहा है, उसने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया, परमेश्वर की बात को उसने जो है भुला दिया और वो भूल गया और उस जहाज़ जो तार्सिस के लिए जाता है वहाँ जाके बैठ जाता है। मैं उसकी 6 आयत में देखता हूँ, यहाँ पढ़ता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है। अगर आपके पास बाइबल है, आप अपने घरों में वचन खोल सकते हैं और पा सकते हैं। तब कप्तान ने उसके पास जाकर कहा, क्या बात है, तू क्यों सो रहा है, उठ अपने ईश्वर को पुकार, हो सकता है कि तेरे ईश्वर हमारी सुधी ले कि हम नाश ना हो। ये वाक्य उस चालक का था, जो कप्तान था, जो उस जहाज़ का मालिक था, और वो जब ये बातें करता है, जब ये बातें वो योना के पास जाके कहता है, जब उस जहाज़ को उस समुद्र में इतना भारी तूफान आ जाता है, इतना बड़ा तूफान उस शहर के अंदर आ जाता है और उस नदी के अंदर आ जाता है, उस समुद्र के अंदर आ जाता है जहाँ वो जहाज़ जा रहा था, तार्सिस के लिए जहाज जा रहा था, और योना नबी जो है बहुत मस्ती के साथ में आराम की नींद जो निकाल रहा था, तभी उस जहाज़ का कप्तान उसके पास आता है। लोग बेचैन हो जाते हैं, लोगों की समस्या बढ़ जाती हैं, लोग परेशानी के मारे घिर जाते हैं, वो कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा हमने कौन सा पाप किया है। लोग अपने भगवानों को याद करने लगते हैं, लोग अपने उन देवी देवताओं को याद करने लगते हैं, अपने उन लोगों को याद करने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग जो है एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे की बातों को जो है सुनने लगते हैं, तभी कप्तान जो है 6 आयत में आकर जो है उसको बताता है कि हो सकता है कि
कि अपने ईश्वर को पुकार, हो सकता है कि तेरा ईश्वर हमारी सुधि ले ले। मेरे प्रियो, उन्हें ये विश्वास हो गया था, उन्हें ये जान लिया था कि ये जो व्यक्ति जहाज में है, ये जो योना जो इस जहाज में जा रहा है सोकर, शायद इसके ही कारण कोई ऐसी समस्या हमारे बीच में आई है, कोई इसने ऐसी गलती की है, ऐसा पाप किया है जिसके कारण इस पे हमारे बीच में ये समस्या आ रही है, इतना बड़ा तूफान इस समुद्र में आया हुआ है। ऐसा क्यों? इसलिए वो जो है ये सोच रहा होता है। और इस ये बातें जब वो कप्तान उन लोगों से जाके बोलता है उस, और जब योना नबी से ये बातें बताता है, योना जो है समझ जाता है कि ये मेरे कारण ही हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे निनवे शहर के लिए जाने के लिए बोला है और मैं जो है कहाँ जा रहा हूँ। उसको जो है पछतावा होता है और वो अपनी गलती को फील करता है और अपने पाप को जो है पछताव करता है, अपनी गलती को अपने हृदय में महसूस करता है और वो ये चाहता है कि मैं अपने आप को पछताव करूँ। और वो आप देखेंगे उसकी 10वीं आयत में वो क्या कहता है, तब वे लोग अत्यंत डर गए और उससे कहने लगे, ये तूने क्या किया? क्योंकि उनका उनको मालूम था कि ये यहोवा की उपस्थिति से भाग रहा था, इसलिए कि उसने उसको स्वयं बता दिया था। अतः उन्होंने उससे कहा, हम तेरे साथ क्या करें, क्योंकि तू समुद्र हमारे लिए शांत हो जाए, क्योंकि समुद्र में तूफान बढ़ता है। जब वो लोग जब ये सारी बातें जब कप्तान से बताया, योना ने जब ये सारी बातें बताई कि मुझे जो है ऐसे ऐसे कहा गया है और मुझे उस जगह जाना है और जो है मैं जो है ऐसे ऐसे आके बैठ गया हूँ, और लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, वो ये कहते हैं कि अब हम क्या करें, तू हमें बता हम क्या करें, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तूफान बढ़ता जा रहा है और लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, लोग अद्भुत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्या करें हम, अच्छा मैं तू कुछ बता। और इस तरीके के सवाल जो है योना से करने शुरू कर दिए जाते हैं। प्रियो, समय बीत जाता है और योना लोगों से कहता है 12वीं आयत में, अगर आपके पास वचन है तो आप योना उसका एक अध्याय की आप 12वीं आयत में देखेंगे, उसने कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब तुम्हारे लिए समुद्र शांत हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये भारी तूफान मेरे ही कारण तुम पर आया है। और वो ये जान गया था कि उसी के कारण ये सारी समस्या और ये सारी परेशानी उस पर आई है, और वो अपने आप को बहुत पछताने लगा, वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा होने लगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है, और उसके कारण दूसरे लोगों पर भी उसकी परेशानी आने लगी, दूसरे लोग भी उस समस्या में जकड़ने लगे। और मेरे प्रियो, आप जब आप वचन में देखते हैं और उसी के आप आगे आयत में आप देखते हैं, योना इस चीज़ से डरने लगा कि ये तूफान जो समुद्र में आया है वो मेरे ही कारण आया है, क्योंकि मैं परमेश्वर से बच के जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे परमेश्वर का प्रचार करना है, मुझे परमेश्वर के बारे में बचाना है निनवे शहर के लोगों के लिए, मगर मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, और उसे समुद्र में फेंक दिया जाता है। और इसी की हम 13वीं आयत में देखेंगे, फिर भी वे बड़े परिश्रम से खाते रहे कि किनारे लग जाए, परंतु वे पहुँच ना सके, क्योंकि लहरों ने उनके विरुद्ध और भी प्रचंड होती जा रही थी। तब यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम हृदय से विनती करते हैं, इस मनुष्य के जीवन के कारण हमें नाश हो, और ना तू हमें निर्दोष के लहू से दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, तू जो चाहे वही किया। इसलिए जब हम इस 13वीं आयत में देखते हैं कि किस तरीके से योना जो है अपने किरे पर शर्मिंदा होता है और वो परमेश्वर से विनती करता है कि परमेश्वर, जो भी हुआ है वो हमारे कारण, योना के कारण ऐसा हुआ है, परेशानी आई है, और वो परमेश्वर के काम करने से दूर भागने लगता है, और उस समुद्र में जब फेंक दिया जाता है, समुद्र में फिर भी परमेश्वर की निगाह योना के ऊपर लगी रहती हैं, और योना को समुद्र में डालने के बाद परमेश्वर एक महामच्छ उस समुद्र के अंदर भेजता है ताकि योना को उसे अपने अंदर ले लिया जाए, और वो महामच्छ योना को अपने अंदर मुंह के अंदर ले लेता है, और यहाँ योना 3 दिन और 3 रात तक रहता है। मेरे प्रियो, आप 17वीं आयत में देखेंगे, 17वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, योना ने योना को निगलने के लिए एक महामच्छ ठहराया, और योना 3 दिन और 3 रात उस महामच्छ के पेट में रहा।
कितनी अजीब और गरीब बात है ये, जब हम ये देख सकते हैं कि वो परमेश्वर जिसने इंसान को बनाया, इंसान के ऊपर जब परेशानी भी आई उसके कामों के ज़रिए, उसके उन चीज़ों के द्वारा जो उसने की अपने जीवन में, और फिर भी परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा, फिर भी परमेश्वर ने एक ऐसे महामच्छ को उस समुद्र के अंदर भेज दिया अपनी उस करुणा से, जिसे योना को उसने अपने अंदर ले लिया और अपने पेट में 3 दिन तक और 3 रात तक जो है उसने उसके अंदर तौबा की। और हम दूसरे उसके अध्याय में देख सकते हैं, दूसरे चैप्टर के दूसरे अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वो वहाँ से गिड़गिड़ा के प्रार्थना करता है, योना ये बताता है, परमेश्वर से विनती करता है कि परमेश्वर तू धन्य है, तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की टहलती हुई डालों में से बचा लिया है, धाराओं से मुझे घेर लिया है, तेरी सब लहरें तेरे तरंग मुझे बगे में बह गई हैं। और इस तरीके से इस आयत को जो है अपने जो वो जो है बयान करने लगता है। और मेरे प्रियो, आप नहीं सोच सकते कि किस तरीके से कोई व्यक्ति एक महामच्छ के पेट में कैसे रह सकता है, मगर ये देखिए परमेश्वर का वो करिश्मा, परमेश्वर का वो इतना बड़ा सामर्थ वाला परमेश्वर जिसने महामच्छ को भी, योना को वो आराम और वो तजुर्बा दिया कि वो महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात तक तौबा करता रहा। ये जो योना की कहानी है, योना का जो पैगाम है, ये बताता है कि हम अपने कामों में ऐसा ही अपने जीवन में व्यतीत करते हैं। जब परमेश्वर हमें कहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी तुम्हें उस जगह जाके ऐसा काम करना है, उस जगह जाके तुम्हें लोगों को ये प्रचार करना है, मगर हम सुनते हैं और कुछ समय के बाद में हमारी प्लानिंग, हमारी सोचें, हमारे सब कुछ बदल जाता है। हम जो हमसे परमेश्वर कहता है हम वो नहीं कर पाते, हम वो जो परमेश्वर हमें भेजना चाहता है और हम वहाँ नहीं जा पाते। कितने मेरे अजीज भाई हैं जो परमेश्वर के वचन को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, वचन को पढ़ने के तैयार हो जाते हैं, उसकी ट्रेनिंग लेके एक अच्छे पादरी बन के निकलते हैं और कहते हैं हम परमेश्वर का वचन उस जगह ले जाएंगे, उस जगह पर फैलाएंगे जहाँ लोग नहीं जानते। और जब वो आगे बढ़ते हैं उनके दिमाग में अन्य विचार आ जाते हैं, शैतान उन्हें फजला देता है और वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां परमेश्वर नहीं चाहता, जहां उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जहां उन्हें खाने पीने की परेशानी होती है, जहां उन्हें पानी पीने की और रहन सहन की परेशानी होती है, जहां का वातावरण उन्हें सूट नहीं करता है, ऐसी समस्याएं से वो घिर जाते हैं और वो कहते हैं कि परमेश्वर ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और हम उसका बयान नहीं कर पाते हैं। और जब हम देखते हैं, जब हम अपने जीवन में हम आत्मिक जीवन में जब परमेश्वर के साथ में बढ़ते हैं, तब परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है, फिर परमेश्वर हमें बतलाना चाहता है कि जो आपने किया है वो आपने क्या उसमें गलती की है, और हम फिर उस रास्ते पर जाना चाहते हैं, हम पछताव करते हैं उस योना की तरह जो महामच्छ के पेट में परमेश्वर के नाम की दुहाई देता है और परमेश्वर को धन्य कहता है कि तू परमेश्वर धन्य है, ओ सृष्टि के मालिक, ओ परमेश्वर तू धन्य है। और हम इसके आगे कहानी में पाते हैं कि योना उस समय के बाद में जब परमेश्वर ने उसे बचा लेता है एक महामच्छ के द्वारा, जब वो महामच्छ उसको समुद्र के टाप पर जो है उगल देता है, और तब उसके बाद में योना निनवे को जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो ये पूरा वादा कर लेता है कि परमेश्वर अब मैं तेरे उन बातों को जान गया हूँ, अब मैं तेरी सच्चाई को जान गया हूँ, अब मैं तेरे उस नाम को पहचान गया हूँ, अब मुझे निनवे में जाना है, निनवे शहर के लोगों को बताना है, तेरे बारे में बताना है कि तू कितना सामर्थ्य है और तू जल्द से जल्द इस निनवे शहर को बर्बाद करने वाला है और तू जल्द से जल्द इस निनवे शहर के लोगों को बदलने वाला है, क्योंकि यहाँ की दुष्टता बढ़ गई है, यहाँ के पाप बढ़ गए हैं, लोग बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं तेरे वचन का, जो है न्याय यहाँ पर होने वाला है। परमेश्वर जो है उस शहर को जो है चुनौती देना चाहता है और उसको सुधारना चाहता है, मगर यहाँ जब योना को ये कह के भेजा जाता है, योना बेधड़क होके जब वो पछता जाने लगता है, जब परमेश्वर की करुणा उस पर हो जाती है, जब उसे ठोकर लग कर जब याद आती है कि मुझे परमेश्वर ने क्या वादा किया है, मेरे अजीज़ो आप पाते हैं, हम बाइबल में देखते हैं कि वो निनवे के लिए पहुँच जाता है।
और निनवे में चला जाता है, उस महानगर में पहुंच जाता है जहाँ 120,000 लोगों की अधिक से संख्या उस शहर के अंदर रहती है, और उस शहर में चला जाता है। यहाँ लोग जो है पाए जाते हैं, और यहाँ के लोगों में जो है परमेश्वर का भय नहीं पाया जाता। वो प्रीच करने लगता है, प्रचार करने लगता है, परमेश्वर का वचन उस निनवे शहर में लेके पहुँचता है, और परमेश्वर के वादे के अनुसार उसमें लोग जो है अपनी माफ़ी मांग लेते हैं, अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं, उस रास्ते को बदल देते हैं, उन जिंदगियों को छोड़ देते हैं और उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, वो काम करने शुरू कर देते हैं। वहाँ के राजा भी जो है खुदा के लिए उपवास करते हैं और टाट पैन पहन कर राखों पर बैठ भर के परमेश्वर के आगे तौबा करते हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर उस शहर को नाश होने से बचा देता है और उस शहर के लोग बच जाते हैं, और हम देखते हैं जिसके कारण आगे हम उसके चौथे चैप्टर में हम पढ़ते हैं, उसके चौथे अध्याय में भी हम देखते हैं तो पाते हैं कि किस तरीके से योना जो है वो परमेश्वर के जब उन लोगों को बर्बाद नहीं करता, उन्होंने जब माफ़ी मांग लेते हैं उस शहर के निनवे के लोग, तो योना को गुस्सा भी आती है कि परमेश्वर ने अपने वादे के अनुसार क्यों इन लोगों को बर्बाद नहीं किया। मेरे अजीज़ों 120,000 लोग निनवे शहर के अंदर थे और वो सारे लोग परमेश्वर से तौबा करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति नाश हो, इसलिए परमेश्वर निनवे शहर को बचा लेता है और योना जिसके कारण बहुत क्रोधित होता है। मेरे प्रियो, आज जो मेरे कहने का और मेरे बताने का विषय ये है, हम परमेश्वर से दूर ना जाएं। जब परमेश्वर ने हमें किसी काम के लिए चुना है तो वो हमें पूरी रीति से करना है और हमें ईमान के साथ में करना है। जब हमें परमेश्वर ने बोला है कि मेरे प्रियो तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें इस मिनिस्ट्री को आगे लेके चलना है, तुम्हें मेरा वचन उन अंधकार में जो लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनके पास लेके जाना है। मेरा और आपका ये फर्ज है, मेरे और आपकी ये ड्यूटी है। अगर मैं अपने आप को एक मसीह कहता हूँ, अगर मैं अपने आप को एक क्रिश्चियन कहता हूँ, तो ये मेरा फर्ज है, एंड दिस इज़ ड्यूटी फॉर ईच एंड एवरी क्रिश्चियन। और यही हर एक मसीह का वादा है और हर एक मसीह की ये हक है कि वो परमेश्वर का प्रचार करे और परमेश्वर का जो है वचन किसे बताए, प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे, क्योंकि जो उसने पाई है। और यही हमारा मकसद है, हम दुनिया में खो जाते हैं, दुनिया के कामों में खो जाते हैं, परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं, हम वो काम नहीं करते जो परमेश्वर यीशु मसीह हमसे कहना चाहते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में भी ये होता है और हम ये नहीं सोच पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब दूसरे लोग हमारे पास आते हैं कि आपने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण ऐसा हो रहा है, मेरे प्रियो हम अपनी समस्याएं अपने ऊपर खुद लेके आते हैं। हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसा पाप, कोई ना कोई ऐसी गलती हमारे जीवन में जो रहती है जिसके कारण हमें समस्याओं का साधन करना पड़ता है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम ये सोचने लगते हैं कि हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैंने तो कोई पाप भी नहीं किया, मेरे घर वालों ने तो कोई पाप भी नहीं किया, मैं तो हमेशा चर्च भी जाता हूँ, मैं तो हमेशा टाइथ भी देता हूँ, दही की भी देता हूँ, दशमांश भी देता हूँ, मैंने तो परमेश्वर की यहाँ तक है, मैं पूरी आज्ञा भी मानता हूँ, फिर भी मैं समस्याओं का सामना क्यों कर रहा हूँ, मेरे पास ऐसा क्यों क्या है जो मैं परमेश्वर से नहीं पा पा रहा, मेरे पास ऐसा क्या चीज़ की जो कमी है जो मैं परमेश्वर से नहीं पा पा रहा। ये लोग सोच सोच के अपने विचारों को बदलते हैं और वहाँ जाने से मजबूर हो जाते हैं जहाँ परमेश्वर ले जाना चाहता है। मेरे प्रियो, ये जो योना नबी की जो किताब है, जो योना जो अपने जीवन की जो गवाही यहाँ पे लिखी गई है, वो इसलिए लिखी गई है कि हम उसके जीवन से कुछ सीखें, हम उसके जीवन से ये जान लें कि जब परमेश्वर ने हमें किसी काम के लिए चुना है तो हम पूरी रीति के साथ, पूरे ईमान के साथ, पूरे विश्वास के साथ उस काम को करें और परमेश्वर उसमें दुगनी आशीष देगा। हम अपने इरादे ना बदलें और अपनी सोच को ना बदलें, उसके वचन के अनुसार अपने दिमाग को रखें, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि बुद्धि का देने वाला मैं ही हूँ और जो बुद्धि की खोज करते हैं वो परमेश्वर को खोजते हैं। तो हमें आज परमेश्वर को खोजना है, आज हमें परमेश्वर को जानना है और हम अपनी उन योजनाओं को अपने आगे ना रखें, अपनी मनमानी ना करें, परमेश्वर के आगे आएँ, परमेश्वर के नाम से झुकें, क्योंकि प्रभु इस सृष्टि का मालिक है, परमेश्वर उद्धार करता है, वो जीवन का दाता है,
उसने हमसे प्यार किया है और वो इस संसार का पैदा करने वाला है। उसकी आज्ञाओं पर चलते रहें, उसके जी में जी लाने के लिए आप उसके करीब आएं। हर सुबह हर शाम वो आपका इंतज़ार करता है। ये ना सोचें मेरे जीवन का क्या होगा, मैं इस संसार में सबसे बड़ा पापी हूँ और मेरा जीवन ऐसा अंधकार से भरा हुआ है जिसमें ना कोई खुशी है ना कोई गम है और मैं ऐसे जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, मेरा जीवन बड़े उल्लास ज़िंदगी जी रहा है और मैं तंग आ चुका हूँ, मैं अपने आप को अपने जीवन समाप्त करना चाहता हूँ। आपको जीवन समाप्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है जीवन समाप्त करने की। प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने घुटने टेकिए। यीशु मसीह आपके सारे पाप धो देगा, आपके वो सारे अंधकार की ज़िंदगियों को धो देगा, आपके उस गंदे मैलों को साफ कर देगा, क्योंकि परमेश्वर के सामने सब कुछ खुला और नंगा है। उसके सामने कोई भी आदमी अपने आप को नहीं छिपा सकता, कोई भी व्यक्ति अपने आप को नहीं छिपा सकता, क्योंकि परमेश्वर पिता इस जहाँ का बनाने वाला सृष्टिकर्ता उद्धार करता वाला परमेश्वर है। आजमा के देखें, विश्वास करके देखें, मेरी बातों पे विश्वास ना करें बल्कि जो वचन कहता है, जो वचन में लिखा हुआ है, आप धर्मशास्त्र पर विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी योजना के अनुसार चलाएगा। मेरे जैसे भाई और मैं कभी झूठा भी हो सकता हूँ, मेरे शब्दों में कुछ खराबी भी हो सकती है, शायद मैं उस तरीके से प्रकट ना कर सकूँ जैसे आप अपने जीवन में उसको पढ़ के समझ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है और वो मिनटों में बदल देता है, और जब वो वचन खुलता है तो एक रोशनी के समान हमारी ज़िंदगी में वो रोशनी आती है, उस दिए के समान वो काम करता है। एक बार अजमा के देखें, एक बार यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मान के देखें, उसे अपने घर में बुला के देखें, क्योंकि परमेश्वर आपके दिल में आना चाहता है, आपके इस हृदय में आना चाहता है, इसमें रहना चाहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी तुझे किस चीज़ की कमी है, मैं पूरे दूंगा, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। योना को अपने जीवन में याद रखें, योना की इस बात को याद रखें, परमेश्वर से दूर ना जाएं, प्रभु यीशु मसीह आपके करीब है, आपके पास आना चाहता है, आपकी हर एक ज़रूरत को पूरा करना चाहता है, क्योंकि उसने खुद कहा है मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा और ना ही त्यागूंगा, क्योंकि सृष्टि का बनाने वाला एक ही परमेश्वर है। आइए मेरे प्रियो, आज इस बात को याद रख के आए हम प्रार्थना में चलें प्रभु यीशु के नाम में। सर्वशक्तिमान दयालु पिता, एक बार हम फिर से प्रभु इस संसार के लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो प्रभु रास्ते से भटक गए हैं, जो आपकी उन योजनाओं से दूर जा रहे हैं, प्रभु उन्हें अपने वापस लेके आ, आपके पास आ जाएं और आपके साथ चलने वाले बन सकें। प्यारे प्रभु, आप उन्हें छू लें और उनके पापों को क्षमा कर दें, उन्हें नया जीवन दें और अपने जीवन में प्रभु उन्हें बढ़ाएं और आपके नाम की महिमा हो। आमीन, हालेलुया।